अनेक बार ये प्रश्न उठा करते हैं, भारत देश में, अपने देश में, कि जहाँ पर इतने साधु संत हों, कुंभ मेला में, माघ मेले में हजारों की संख्या में दिखाई पड़ते हैं, तो वहाँ पर विकास की गति कम क्यों है? वहाँ पर लड़ाई झगड़े का माहौल ख़त्म क्यों नहीं हुआ? कोर्ट कचहरी में मुकदमों की भरमार, थाना में और अन्य जगहों पर पुलिस प्रशासन के यहाँ समस्याओं की लाइन, बाढ़, इसका कारण क्या है? इतने साधु संत होने पर ये चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं? उसके पीछे कारण ये है कि जाने अनजाने में, कभी जान करके कभी अनजान में, सब लोगों ने गलत सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है कि दुनिया नश्वर है, ये मृत्युलोक है, ये शरीर ये नश्वर है, ये मृत्युलोक, ये मर जाती है। सच यही है कि एक दिन सभी मर जाएंगे, और जो ये ज्ञान देता है, चूँकि सभी जनता, सभी लोग इसको स्वीकार करते हैं, और रोज देखते हैं कि अस्पताल में लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट से मर रहे हैं, और अनेक तरह से एक न एक करके लोग इस पृथ्वी से अदृश्य होते जा रहे हैं। कल्पना करने के बाद ऐसा लगेगा कि 100 साल के बाद जो सब दिखाई पड़ते हैं, एक भी नहीं होंगे, कुछ को छोड़ करके। और जब इस तरह की प्रवचन हम जैसे कोई महात्मा संत इस गिरवा वस्त्र में, जो अग्नि का वस्त्र कहा जाता है, समत्व का प्रतीक कहा जाता है, जब इसमें हम अपने को बैठा करके ये वाणी बोलते हैं, तो सारी जनता कहती है बिल्कुल सही है, और तुरंत ताली बजती है और मुहर लग जाती है कि संत बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वही बता रहे हैं जो सबको पता है। इसी की गलती की वजह से ही इतने साधु संत के होने पर भी समस्याएं नहीं जा रही हैं। वहीं पर जब गौतम बुद्ध का ज्ञान प्रदूषित होने लगा, उनके सिद्धांत पर जो लोग चलते थे वो भूल गए, कलिकाल के प्रभाव के कारण चीज़ें दिमाग से हटने लगी, फिर से गौतम बुद्ध के सिद्धांत को पुनः प्रतिपादित करने के लिए आदि शंकराचार्य, जो गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार स्वीकार किए, उन्हीं की शिक्षा को फिर से प्रसारित किया, तो आदि शंकराचार्य कहते क्या है कि मृत्यु होती ही नहीं है, न जन्म होता है न मृत्यु, जिसे हम सुख दुख कहते हैं ये भी नहीं है, लाभ हानि पाप पुण्य ये सब कुछ भी नहीं है, जो अनेक प्रकार के जो जाति वर्ण आदि की बातें हैं ये भी नहीं है, जिसे गुरु शिष्य कहा जाता है ये भी नहीं है। आदि शंकराचार्य अपने द्वारा रचित संस्कृत में गीत को इस तरह से कहते हैं, अपने गीत में ये व्यक्त करते हैं। अगर आप इसको कहिए कि न जन्म है न मृत्यु है, तो आप अकेले बैठे रहेंगे, तालियां बजाने वाला कोई मिलेगा नहीं, बहुत अधिक संख्या में आपके फॉलोवर नहीं होंगे, तो कहे जाएंगे कि यह संत ठीक नहीं है। अगर कह दीजिए कि मृत्युलोक है ये, इस शरीर पाप का घड़ा है, इसमें गंदगी ही गंदगी, कान में गंदगी, नाक में, आँख में, पेट के अंदर से गंदगी निकलती है, मल मूत्र के मार्ग से पसीने के अंदर, ये नरक का द्वार है,
इसमें तुरंत स्वीकारोक्ति हो जाता है, सब कोई इसको मान लेते हैं। सब मान लेने के बाद ये घोषित हो जाता है कि महात्मा बहुत अच्छे सिद्ध पुरुष है। इस शिक्षा का जो प्रचार हो गया, इसकी वजह से हमारी भारतीयता बीमार हो गई, भारतीय दर्शन में रोग लग गया। इस रोग को दूर कैसे करें? जब आप क्रियायोग ध्यान करते हैं, जैसे जैसे क्रियायोग ध्यान करते जाते हैं वैसे वैसे ज्ञान होता है। न सुख है न दुख है, न पाप है न पुण्य है, न लाभ है न हानि है। ध्यान की गहराई में आते जाइए, जब ध्यान के साथ एकात्म हो जाते हैं, अपना स्वरूप और क्रियायोग ध्यान जब दोनों से संयुक्त हो जाता है, दूरी नहीं रह जाती है, तब अनुभव होता है न जन्म है न मृत्यु।